फिरोजाबाद थाना टूंडला सर्विलांस एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 5 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को चोरी के माल सहित किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलाह किया गया है। बरामद चोरी किए गए ट्रांसफार्मर के तार सहित घटना में उपयोग की गई कार एवं अन्य चोरी का माल भी बरामद। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। देखिए, आज एसओजी टीम तथा टूंडला पुलिस द्वारा चोरी और नकद जेनी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 5 लोगों में से एक विक्की है, जो कबाड़ी भी है, और इसमें धर्मवीर जाट, चंगो उर्फ सुसपाल, अनेक चाहर और कर्मवीर सिंह हैं, और इसका गैंग लीडर है धर्मवीर जाट। यद्यपि इसमें जो सुसपाल है उर्फ चंगो, ये सैया थाना आगरा का हिस्ट्री सीटर भी है, और इसके विरुद्ध कुल 18 मुकदमे हैं, और धर्मवीर जाट के विरुद्ध पहले से 8 मुकदमे हैं। ये सारे लोग चोरी और नकबजेबी के लगातार सक्रिय रूप से अपराध कर रहे थे, और जो इनके पास से बरामदगी की गई है उनमें 3 बंडल जो कापर है, जो ट्रांसफार्मर से चोरी करते थे, इसके अतिरिक्त नाजायज असलाह इनके पास से बरामद हुआ है। घटना में एक जो क्विड 4 व्हीलर गाड़ी यूज़ करते थे वो भी बरामद की गई है। कुल इसमें 3 नकबजनी का खुलासा किया गया है। 2 टूंडला की हैं, जिनमें एक FM सिटी से चोरी हुई थी और दूसरी है मंगलम कोल्ड स्टोरेज से, तथा सिकोहाबाद में एक दुर्गे कोल्ड स्टोरेज है, वहां से चोरी हुई थी। अपराध करने का इनका तरीका यह था कि ये रात्रि में अपनी ही गाड़ी से, ये गैंग पूरा चलता था, 9 बजे के करीब आगरा से चलते थे, फिर ये पहले से रेकी किए रहते थे और टारगेट करते थे, और ऐसे कोल्ड स्टोरेज या ऐसे स्थानों को चिन्हित करते थे जहां पर सिक्योरिटी की व्यवस्था पर्याप्त तो ना हो। सर, इसके ग्रुप में और भी लोग सदस्य हैं कि 5 लोगों का? अब तक जो पूछताछ हुई है यही लोग इस गैंग के मेम्बर्स हैं, और 1-2 कबाड़ी के बारे में इन्होंने और बताया है, और उसको भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके बेसिस पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये किस तरह ट्रांसफार्मर सर लाइट रहती है, तो इनकी कोई टीम ऐसी है या विद्युत विभाग के कर्मचारी इनसे मिला हुआ, जिस तरह ट्रांसफार्मर कॉपर चोरी कर लिया करते हैं? देखिए, अब तक की जो जानकारी मिली है उसमें कोई विद्युत विभाग का कर्मचारी की मिलीभगत नहीं आई है, किंतु ये लोग इसमें एक्सपर्ट थे। ये जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, ग्लव्स यूज़ करते हुए भी करते थे, कटर भी, प्लास भी इनके पास, और सारे ऑपरेटर्स हुआ करते थे, जिससे पहले ये डिस्कनेक्ट कर देते थे, उसके बाद ट्रांसफार्मर को ये जो इनके पास ऑपरेटर्स था उससे खोलते थे और उसके अंदर का कापर निकाल लेते और उसे ले जाते हैं और कबाड़ी के यहाँ उसे बेच देते थे। सर, जो बरामद हुआ है उसके कितना किलो था और बाज़ार में उसकी क्या कीमत रही होगी? देखिए, जो माल इनके पास बरामद हुआ है उसकी कीमत लगभग 5 लाख करीब बताई जा रही है, और करीब 5 क्विंटल करीब हो गई।